दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप रात में सो रहे होते हैं तो आप जब थोड़ी सी करवट बदलते हैं तो आपकी पिंडलियों में एक बहुत ही तेज दर्द होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये दर्द गायब हो जाता है। या आप कोई भारी सामान उठाते हैं तब भी आपको ये दिक्कत होती है, या आप काफी देर तक खड़े हैं तो आपको लगता है कि हमारी कमर से पिंडलियों में एक नसों में तनाव हो रहा है, तो हो सकता हो कि आपको सियाटिका की दिक्कत हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप अपनी सियाटिका की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। और ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनको सियाटिका हो रहा है या और कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह सियाटिका होती क्या है। अक्सर मरीज हमारे क्लिनिक पे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पिंडलियों में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन जब मैं उनकी कमर का एग्जामिन करता हूं वो यही कहते हैं कि हमारे कमर में तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो सिर्फ पिंडली में दर्द है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दिक्कत आपको कमर से ही होती है। हमारी कमर से छोटी छोटी नसें निकली होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, और उसी क्रम में हमारी कमर से पैरों में एक नस जाती है जिसे हम लोग सियाटिक नर्व कहते हैं। जब ये नस हमारी कमर पे दबती है तो आपके कमर से पैरों में दर्द जाता है। ज्यादातर मरीजों के पिंडली में दर्द होता है। तो मैं आपको इस मॉडल के हिसाब से बता दूं कि आप ये छोटी छोटी स्पाइन देख रहे हैं, ये हमारी कमर की 33 हड्डियां होती हैं, और हर हड्डी के बीच में आप एक ये देख रहे हैं इसे कुशन होता है। यही कुशन आपकी कमर को मोड़ने में, फॉरवर्ड बेंड करने में, पीछे मोड़ने में मदद करता है। लेकिन जब आपके कुशन पे दबाव पड़ने लगता है तो हमारे आपको मालूम होगा कि कमर से ही नसें जा रही हैं, तो ये कुशन आगे बढ़ने लगता है और नस को दबाने लगता है, तो आपकी पिंडलियों में, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दिक्कत आपको कमर से हो रही है, ना कि पिंडली में हो रही है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको सियाटिका ही हो रहा है या और कोई दर्द हो रहा है। तो मैं आज आपको ऐसे टेस्ट बताऊंगा जिससे आप अपने घर पे खुद ही कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ये दर्द सियाटिका का हो रहा है या स्लिप डिस्क का हो रहा है या डिस्क बल्जिंग का हो रहा है। चलिए मैं आपको टेस्ट बता दूं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपको ये सियाटिका का दर्द है या कोई और दर्द। दोस्तों सबसे पहले आपको जो पहला टेस्ट करना है कि आपके जिस पैरों में खिंचाव आ रहा है या जिस पैरों में पिंडलियों की नस चढ़ती है, आप उसको धीरे धीरे ऊपर उठाइएगा, 45 डिग्री तक के उठाइएगा, और अगर आप उठाने में ही आपकी पिंडली की नस चढ़ने लगती है तो आप समझ लीजिए कि आपको सियाटिका का दर्द हो रहा है। या अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो नॉर्मल पैर है उसको उठाएंगे, उठाते हुए जैसे उठाते जाएंगे और अपने पंजे को अंदर खींचेंगे तो आप तुरंत फील करेंगे कि आपका जो अफेक्ट दूसरे पैर है उस पे कमर पे एक नस एक खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको ये सियाटिका की दिक्कत है। तीसरा टेस्ट है कि आप इस तरह बैठ जाइएगा और अपने हाथों को पीछे कर लीजिएगा और हल्का सा आप आगे झुक जाइएगा और जिस पैर में आपके खिंचाव आ रहा है उसको ऊपर तानिएगा और पंजे को अंदर की तरफ खींचेगा। जब आप ये करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपके कमर से पिंडलियों में बहुत ही तेजी से दर्द होता है। अगर आपको ये दर्द हो रहा है तो आपको सियाटिका कन्फर्म है। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, अगर आप इन एक्सरसाइजेस को हफ्ते भर कर लेंगे तो आपकी जो सियाटिका की दिक्कत है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे बिना किसी मदद के खुश कर। इस चीज में और बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने कमर की सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई करने से आपकी कमर की मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कमर में और आपकी पिंडलियों की नस नहीं चढ़ेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप किसी कुर्सी पर बैठ जाइएगा और आप घर पे कोई भी स्टूल हो आप स्टूल को इस तरह रख लीजिएगा और आप अपने दोनों पैरों को अपने घुटनों को सीधा रखते हुए इस तरह बैठ जाइएगा और ध्यान रखिएगा कि आपका घुटना पूरा एकदम सीधा रहे। और अब आपको करना क्या है कि आपके जो दोनों पंजे हैं पंजे को अंदर की तरफ खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है फिर छोड़ना है। ये पंजा खींचिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5 छोड़िए। जब आप इस तरह करते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपके पंजे पे खिंचाव आता है। ये खिंचाव जितना आएगा आपकी जो सियाटिक नर्व है
वो ढीली होगी। जितनी ढीली होगी आपके पिंडलियों के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आपको लगभग 5 मिनट करना है, और जब आपको लगे कि ये आप बहुत आसानी से कर रहे हैं और आपको दिक्कत भी नहीं हो रही है, तो आप को करना क्या है कि आप इसी पोजीशन में बैठे रहिएगा और अपने पंजे को खींच लीजिएगा और हल्का सा आगे की ओर आगे बेंड करिएगा। जब आप इस तरह आगे बेंड करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा खिंचाव आएगा, और जितना खिंचाव आएगा जो आपकी सियाटिक नर्व है वो और ढीली होगी और आपके कमर के दर्द में और जल्दी आराम मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये एक्सरसाइज करिएगा आपको बहुत झटका नहीं देना है, क्योंकि अगर आप झटका देंगे तो हो सकता हो आपके दर्द बढ़ जाए, तो इसको भी आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको बेड के सहारे इस तरह खड़े हो जाना है, या अगर आपके पास इतना ऊंचा बेड ना हो तो आप दीवार के सहारे भी खड़े हो सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है कि जिस पैर में आपके दर्द जा रहा है उस पैर को आपको इस तरह पकड़ लेना है, और पकड़ने के बाद जो आपका नॉर्मल पैर है उसके हाथ को आप दीवार का सहारा या बेड का सहारा ले लीजिएगा। आपको इस तरह मूवमेंट करना है। जब आप इस तरह मूवमेंट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप पे एक कमर पे एक आगे की ओर प्रेशर पड़ेगा, तो जो आपकी स्पाइनल नर्व होती है वहाँ यहीं से जा रही होती है। तो जब आप इस तरह मूवमेंट करते हैं तो आपकी पीछे की जो हड्डी होती है वो खुलती है, तो खुलने की वजह से जो आपकी नस है दब रही है वहाँ से हटना शुरू हो जाती है। तो आप इसको इसी पोजीशन में लगभग 1 से 2 मिनट करिए। जब आप पैरों को नीचे रखेंगे आपको खुद लगेगा कि पहले के मुकाबले अब आपके पैर पिंडियों में दर्द कम हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप किसी बेड के एज पे इस तरह खड़े हो जाइएगा, और खड़े होने के बाद आपके जिस पैरों में खिंचाव आ रहा है उस पैरों को इस तरह ऊपर रख लीजिएगा, और अपने नॉर्मल पैर के घुटने को एकदम सीधा रखिएगा और अपने हाथ को आगे इस तरह रख लीजिएगा। और अब आपको करना क्या है कि आपको इस तरह आगे की ओर झुकना है, और इसी पोजीशन में आपको लगभग 10 सेकंड तक के होल्ड रखना है, फिर वापस जाना है। फिर आप आगे जाइए, 10 सेकंड तक होल्ड रखिए, वापस जाइए। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो ग्लूटियस रीजन पे काफ़ी स्ट्रेच आता है, और यहाँ पे जितना स्ट्रेच आएगा वो खिंचाव आना कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपकी नसें ढीली होती हैं। नसें जितनी ढीली होंगी आपकी पिंडलियों में जो खिंचाव आ रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने। दोस्तों, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको लेट जाना है, और आपके जिस पैर में खिंचाव आ रहा है उसको दूसरे पैर पे इस तरह रख लीजिएगा, और अपने हाथों को एकदम सीधा नीचे रखिएगा। और अब आपको करना क्या है कि अपने पैर को इस तरह आपको जितना स्ट्रेच रोटेट कर सकते हैं इस तरह आपको दोनों साइड रोटेशन करना है। जब आप ये करते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि आपकी कमर से लेकर पिंड पूरी थाई तक के एक स्ट्रेच जाता है, क्योंकि जो सियाटिक नस होती है जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये नस थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, यानी कि अपने लेंथ से थोड़ी हल्की सी टाइट हो जाती है। तो आपको इस नस को ढीला करना बहुत ज़रूरी होगा। ये नस जितनी ढीली होगी आपकी पिंडलियों के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 से 20 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, आप लेटे रहिएगा और आपके जिस पैर में दर्द हो रहा है उसको इसी पोजीशन में ऐसे रखिएगा, और अपने दोनों हाथों से आपको इस तरह पकड़ लेना है, और पकड़ने के बाद आप अपने हाथ यहाँ तक खींचेगा और लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस जाइएगा। फिर आपको खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस जाना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप पेट के बल लेटिएगा। पेट के बल लेटने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को आगे रख लीजिएगा, और अपने अपने हाथों के सहारे से कमर को इस तरह आपको इस पोजीशन में आपको लेटना है। इसी पोजीशन में आपको लगभग 2 से 3 मिनट तक रहना है। अगर आप अपने हाथों पर लोड नहीं ले पा रहे हैं तो आपको एक तकिया ले लीजिएगा और अपने चेस्ट के ऊपर रख लीजिएगा, तो आप खुद देखेंगे कि जब आप इस तरह रहेंगे तो आप का चेस्ट थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे पूरा प्रेशर आता है, यहीं से आपकी सियाटिका नर्व निकलती है जो आपके पैरों में जाती है। इस पोजीशन में रहने से सियाटिका नर्व पे जो दबाव पड़ रहा है वो कम हो जाता है, और आपकी पिंडों के दर्द में आराम मिलता है। इस पोजीशन में भी लगभग आप 4 से 5 मिनट रह सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज बताई है, अगर आप इन एक्सरसाइज को लगातार दिन में 2 बार हफ्ते भर कर लीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो पिंडलियों में दर्द हो रहा है वो लगभग गायब हो गया है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो हो सकता हो आपके शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो।
खासकर विटामिन D3 और कैल्शियम की, क्योंकि यही आपकी शरीर की हड्डियों को मजबूत करते हैं। जब आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी होती है तो आपके शरीर में कैल्शियम बनना कम हो जाता है, और कैल्शियम जब कम बनेगा तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका पूरा शरीर हड्डियों से बना है और हड्डियों को ही मांसपेशियां रोके रखती हैं। जब आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी तो मांसपेशियां भी कमज़ोर होंगी। तो उसको मजबूत करने के लिए आपको अपने आहार में कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा बढ़ानी होगी। कैल्शियम और विटामिन D3 आपको दूध, अंडा, दही और मछली में मिल जाएगा। और अगर आपको इसको खाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो मार्केट में कई तरह की कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट्स आती हैं, आप उनको ले सकते हैं। आपको विटामिन D3 ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी होगी तो आपके शरीर में कैल्शियम नहीं बनेगा। ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आपको मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको पूरी डिटेल व्हाट्सअप के माध्यम से भेज दी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और जो शियाटिका की परेशानी से जूझ रहे हैं। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।